एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। सावन के महीने और पुरुषोत्तम मास में नगरपालिका स्थित हनुमान मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर मौजूद बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और उसके साथ पूजन अर्चन आरती करके उन्हें विधिवत विसर्जित भी किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन यहां पर उपस्थित होते हैं। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में पंडित सतीश तिवारी ने जानकारी दी। रिपोर्ट एशियन न्यूज। जैसा कि प्रदेश है कि यह मास श्रावण मास चल रहा है और साथ में कई वर्षों बाद श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास साथ में आया है। इसमें भगवान भोलेनाथ का हम सभी यहाँ भगवान हनुमान जी के दरबार में बाबा भोलेनाथ के दरबार में एक मास और पुरुषोत्तम मास साथ में भी हम लोग शिवलिंग निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का ये चौथा दिन है जिसमें निरंतर माताएं बहनें आती हैं, सभी भाई लोग आते हैं और बाबा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, स्टेशन नगर पालिका के न्यू हनुमान मंदिर, न्यू नगर पालिका में हनुमान मंदिर मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि सुबह 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में आएँ, पार्थिव शिवलिंग बनाएँ और फिर उसके बाद अभिषेक करें। और यह मास ऐसा मास है कि बाबा भोलेनाथ को बड़ा प्रिय मास है। पार्थिव शिवलिंग आप सभी बनाकर धर्म लाभ अर्जित करें।